क्लिक करिए सब्सक्राइब बटन को ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आप लोग मिस ना करें। इसके लिए हमें चाहिए 1 बीटरूट, जिसको चुकंदर भी बोलते हैं, थोड़ी चीनी और वाइट वेनेगर। इसको इस तरीके से इसका पत्ता निकाल लेंगे ये दोनों तरफ से और इसको ये छील लेंगे। इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे, छोटे छोटे पीस करेंगे। इसको थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेंगे, इसकी प्यूरी बना लेंगे। कैसे इसका प्यूरी बन गई है, इसको पीसने में हमारा कम कम 3 से 4 चम्मच पानी लगा हुआ है। अब हमने गैस ऑन करके एक पैन चढ़ाया हुआ है, उसमें ये सारी प्यूरी डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने प्यूरी डाल दी इसकी। अब एक चुकंदर में हम 1 चम्मच, चूंकि मीठा ऐसे ही होता है तो 1 चम्मच इसमें चीनी डालेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, कुटी हुई काली मिर्च ब्लैक पेपर 1/2 चम्मच, एक से दो मिनट तक बस इस तरीके से चलाएंगे ताकि चीनी बिल्कुल घुल जाए। घुल गई, लगभग 2 मिनट हमने इसको चलाया। अब इसमें व्हाइट वेनेगर डाल देंगे, लगभग 2 चम्मच है। ये देखिए हमारा बीटरूट सॉस बन के तैयार हो गया। अब गैस को ऑफ कर देते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, हमारा 2 मिनट में बीटरूट सॉस खट्टा मीठा चटपटा सा। आपने अगर नहीं खाया है या नहीं बनाया तो जरूर बनाइए और पराठे के साथ इसको खाइए।